हेलो एवरीवन, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा पॉलिटी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है। तो अब बेसिकली आज हमारा जो पॉलिटी का लेक्चर है उसमें हम लोग जो हमारा सिटीजनशिप चैप्टर है हम लोग वो कवर करने वाले हैं, बेसिकली जिसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता। और ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमारे लिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिकली जब हम लोग सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात करते हैं तो हमारे संविधान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? जो सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी है हमारे लिए वो ये है कि आर्टिकल 5 to 11 जो है अंडर पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा किस चीज़ से डील करता है? सिटीजनशिप से। ये यहाँ पे याद रखना है, आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इसमें दूसरी चीज ये है कि कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलेबोरेट प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। इसका मतलब यहीं पे मैं एक चीज बता दूं कि बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं इसके सिटीजनशिप से रिलेटेड, और बेसिकली बहुत सारी चीजें जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो लोग डिसाइड करेंगे। जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से सिटीजनशिप देना है या किस तरीके से जो सिटीजनशिप है वो वापस ले लेना है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें सिर्फ वो कौन से लोग जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय सिटीजन हो सकते हैं सिर्फ ये बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन होंगे ये हमारा सिर्फ इसमें बताया गया है। किसमें? ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। दूसरा ये है कि इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में या इवन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि किस तरीके से एक्विजिशन हो गया, किस तरीके से जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप वो होगा। और यही जो पॉइंट है अभी मैंने आपको बताया है कि इट इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर एंड एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो बेसिकली पार्लियामेंट पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई है। ठीक है, कि वही डिसाइड करेंगे। जब हम लोग इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं तो बेसिकली दो टर्म आता है, एक है जस्ट सोली, एक है जस्ट सैंग्विनिस। इसका मतलब ये है, ये हम लोग जब कहते हैं तो इसका बेसिकली मतलब है लॉ ऑफ सॉयल। ठीक है, इसका हमारा मतलब होता है लॉ ऑफ ब्लड। ये हम लोग आगे अभी बताने वाले हैं, मतलब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि इस दोनों का क्या मतलब है। बेसिकली इस दोनों तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिलता है किसी को, या तो लॉ ऑफ सॉयल है या दूसरा क्या है, लॉ ऑफ ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट है कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, वो कौन सा था? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट देखें तो बेसिकली 5 तरीके से जो सिटीजनशिप है वो लिया जा सकता है इंडिया में। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है बाय बर्थ, मतलब बॉर्न इन इंडिया। दूसरा है बाय डिसेंट, मतलब बॉर्न आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे इसके पहले मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सॉयल एंड लॉ ऑफ ब्लड। तो ये बेसिकली जब हम कहते हैं बाय बर्थ, मतलब ये कौन सा है? लॉ ऑफ सॉयल। और जो बाय डिसेंट है वो क्या है? लॉ ऑफ ब्लड। मतलब बॉर्न इन इंडिया मतलब इंडियन सॉयल पर किसी का जन्म हुआ है, बॉर्न आउटसाइड इंडिया मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ है? बाहर, लेकिन इसका कोई ना कोई एक ब्लड रिलेशन होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये दो देखते हैं। इस दोनों को एक्चुअली हम लोग एक साथ देखने वाले हैं क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट में कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकता है किसी को। तो ये यहाँ एक्चुअली मैंने एक इमेज ये डाला है, बस इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं बाय बर्थ का।
मतलब पर्सन बॉर्न इन इंडिया। इसमें तीन कंडीशन है, ये बस अपने को ये तीनों कंडीशन याद रखना है। पहला ये कहता है कि अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, अगर किसी का जन्म इंडिया में या तो 26 जनवरी 1950 को या तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कब तक, 1 जुलाई 1987 तक, मतलब इस दोनों डेट के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, अगर इसका जन्म इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ये ध्यान रखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स किस देश से आते हैं ये नहीं देखा जाएगा, और अगर बच्चे का जन्म यहाँ इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, बेसिकली इसका काफी ज्यादा मिसयूज भी हुआ था। ठीक है, ये जो हमारा पहला प्रोविजन है। उसके बाद दूसरा है हमारा कि अगर किसी का जो बर्थ है वो 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद हुआ है लेकिन 3 दिसंबर 2004 के पहले, मतलब इसके और इसके बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है, और यहां पर एक कंडीशन दिया गया कि बच्चे के दोनों में से कोई भी पेरेंट, या तो उसके मदर या फादर अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो वो जो बच्चा है वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। इस दोनों में चेंज क्या हुआ, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आइदर ऑफ द पेरेंट होने ही चाहिए, लेकिन इस दूसरे कंडीशन में ये चीज लाया गया कि हाँ दोनों में से मदर या फादर में से कोई इंडियन सिटीजन होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो है 3 दिसंबर 2004 से अभी तक का। ठीक है, इसमें है कि अगर बोथ द पेरेंट्स हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, या एक पेरेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया और दूसरा जो है वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है, दोनों या तो दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है, या एक सपोज मदर, अगर सपोज मदर जो है वो इंडियन है, ठीक है, फादर जो है वो किसी और कंट्री से हैं, लेकिन बस यही शर्त है कि इलीगल माइग्रेंट वो नहीं होने चाहिए, तब वो जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाई बर्थ, लेकिन ध्यान रखना है अभी जो हमने देखा वो बच्चे का जन्म कहाँ हो रहा है, अल्टीमेटली इंडिया में हो रहा है। ठीक है, दूसरा है बाई डिसेंट। जब हम लोग कहते हैं बाई डिसेंट, इट मीन्स जो पर्सन है ही और सी इज बॉर्न आउटसाइड द इंडिया, वो इंडिया के बाहर उसका जन्म हुआ है, बस ये याद रखना है अपने को। जब हम लोग बर्थ बोले तो इंडिया में हुआ है जन्म, और बाई डिसेंट मतलब इंडिया के बाहर। अब बाई डिसेंट में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इसमें है कि या तो पर्सन का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद से लेकर के 10 दिसंबर 1992, 10th दिसंबर 1992 तक अगर हुआ है, तो अगर उसके फादर इंडिया के सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ बर्थ तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन। ये ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 में क्या, अगर फादर, याद रखना यहां पे मदर की बात नहीं की गई है, यहां पे सिर्फ फादर का बात किया गया है, इफ फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ तभी उसको इंडियन सिटीजन कहा जाएगा। दूसरा है 10th दिसंबर 1992 से लेकर के कब तक, 3rd दिसंबर 2004। इसमें क्या है, इफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, ध्यान रखना है यहां पे सिर्फ फादर की बात की गई है फर्स्ट में, सेकंड में दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तीसरा कंडीशन है 3rd दिसंबर 2004 से लेकर के टिल डेट, इसमें क्या है, नॉट अ सिटीजन अनलेस हिज और हर बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसका ये मतलब है कि इफ अ पर्सन इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 3rd दिसंबर 2004 शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया अनलेस पेरेंट डिक्लेयर दैट द माइनर डजेंट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरी चीज क्या कि अगर बच्चे का जन्म कहीं बाहर में हुआ तो वहां जो भी इंडियन कॉन्सुलेट है, जहां भी है, आपको विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना है बच्चे का।
ठीक है, जो भी इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पे। तो बाई बर्थ एंड बाई डिसेंट में यही है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। यहां पर नेक्स्ट है हमारा बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसके पिछले वाले लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फ्री है किसी भी टेरिटरी को अपने कब्जे में लेने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो क्या होगा अगर कोई नई टेरिटरी अगर इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में अगर आता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, ये स्पेसिफाई करेगी कि कौन कौन से लोग या वहां के लोग जो हैं वो किस तरीके से इंडिया के सिटीजनशिप होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, यह है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में। और एक चीज मैं और बता दूं कि एक एग्जाम में ना अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन तरीके किस किस तरीके से जो सिटीजनशिप एक्वायर किया जाता है उसमें नेचुरल बॉर्न सिटीजन के कैटेगरी में कौन कौन आता है। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल बॉर्न जब हम लोग कहते हैं तो बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब जो अपना थर्ड अभी मैंने ये बताया, दूसरा बाई बर्थ वाला जो है और बाई डिसेंट है वो, ये तीनों आता है नेचुरल बॉर्न सिटीजन में, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे इसमें देखते हैं बाई रजिस्ट्रेशन। तो बाई रजिस्ट्रेशन जो है एक्चुअली ये बहुत ज्यादा लेंदी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब कहते हैं बाई रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, बेसिकली इसमें तरह तरह के लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे कि हाँ ये इंडिया का सिटीजन बनना चाहते हैं, उसमें या तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोग हैं वो, या PIO या OCI। PIO जब हम लोग कहते हैं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI मतलब ओवरसीज कार्ड जिनके पास होता है वो। ठीक है, उसके बाद है हमारा पर्सन मैरिड टू एन इंडियन। अगर कोई शख्स किसी इंडियन से अगर शादी करता है वो फॉरेन का या किसी और देश का, और अगर वो किसी इंडियन से अगर उसकी मैरिज होती है तो वो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है एप्लीकेंट मस्ट बी ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years। यहाँ जब मैं कह रहा हूँ 7 years और मैंने लिखा है 1+6, इट मीन्स 1 साल कंटिन्यू रहना है उसको और 6 साल वो ब्रेक में रह सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 साल होगा उसको कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है इनका एक थोड़ा सा अलग कंडीशन होता है कि इनको 1 साल तक तो रहना है। ठीक है, लेकिन जो इनका OCI स्टेटस है वो 5 साल पुराना होना चाहिए, ये बस यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब उनको जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस मिला है वो 5 साल पुराना होना चाहिए प्लस 1 साल उनको इंडिया में रहना पड़ेगा, तब उनको किससे मिलेगा? बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखें तो ये है बाय नेचुरलाइजेशन। तो जब हम लोग कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन तो इसका मतलब ये होता है कि इसके एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। बस ये याद रखना है, कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ ही पजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, अगर उसमें ये क्वालिफिकेशन है तो इंडियन गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट है बाय नेचुरलाइजेशन दे सकती है उनको। पहला इसमें क्या है, देखो पहला पॉइंट ना थोड़ा सा बस सोचने वाला है कि इंडियन गवर्नमेंट वैसे किसी भी सिटीजन किसी भी पर्सन को नहीं दे सकती है बाय नेचुरलाइजेशन उस कंट्री में जिस कंट्री में वहां खुद इंडिया को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। इस चीज को समझना, दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। सपोज कोई कंट्री ए है, अगर उस कंट्री में इंडिया के किसी सिटीजन को बाय नेचुरलाइजेशन अगर सिटीजनशिप नहीं मिलती है, ठीक है, तो इस कंट्री के इस पर्सन को, इस कंट्री के किसी पर्सन को इंडिया में बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। ठीक है,
दूसरा ये है कि उसको उस कंट्री का सिटीजनशिप तभी, इंडिया का सिटीजनशिप इसको तभी मिलेगा अगर वो अपने पहले वाले कंट्री का जिसमें रह रहा था उसके सिटीजनशिप को अगर वो रिनाउंस करेगा, ठीक है, मतलब वो वापस जब करेगा तभी जा करके वो इंडियन सिटीजनशिप उसकी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर, और चौथा इसमें हैज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी नेचुरलाइज सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेना पड़ेगा। तो ये अभी हम लोगों ने पांच देखा किस किस तरीके से सिटीजनशिप कोई एक्वायर कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, अब हम लोग देखेंगे किस किस तरीके से किसी का सिटीजनशिप खो सकता है या सिटीजनशिप समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली तीन तरीके से किया जा सकता है, पहला है रेनन्सिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन, तीसरा है लॉस बाय डेप्रिवेशन। जब हम लोग रेनन्सिएशन कहते हैं मतलब कोई आदमी ऐसा है कि वो खुद ये कह रहा है कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो छोड़ रहा हूँ, या अगर उसको सपोज किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है तो वो यहाँ का सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप है वो वॉलंटरीली मतलब खुद से वो इसको रिनन्सिएट करेगा वो, ठीक है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, सपोज कोई शख्स ऐसा है कि उसने इंडिया इंडिया के सिटीजनशिप को रीअनाउंस कर दिया, तो उसका जो बच्चा होगा, जो छोटे अगर उसके बच्चे हैं ना, तो उस समय के लिए उनकी भी सिटीजनशिप समाप्त होती है, उस समय के लिए उनकी भी सिटीजनशिप समाप्त होती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो फिर से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है अगर वो चाहे तो। इस चीज को ध्यान से समझना, अगर किसी ने सपोज किसी एक शख्स ने वॉलंटेरली अगर छोड़ दिया इंडिया का सिटीजनशिप और उसके बच्चा उसके जो अगर बच्चे सपोज कोई अगर 8 साल का है, ठीक है, तो 10 साल बाद यानी 18 साल एज पूरा होने के बाद ये बच्चा अगर चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, ठीक है। दूसरा है इसमें टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब खत्म करना। तो यहां पर अगर किसी ने किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर ले लिया है तो उसको क्या करना होगा, अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसका जो सिटीजनशिप है वो खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं बता दूं, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने जानबूझकर किसी दूसरे कंट्री का ले लिया अगर सिटीजनशिप तो आपको इंडिया का छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है लॉस बाय डेप्रिवेशन, अगर किसी ने इंडियन सिटीजनशिप किसी फ्रॉड के थ्रू या तो फ्रॉड किया, किसी ने फ्रॉड करके इंडियन सिटीजनशिप लिया, या किसी ने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर उसने कुछ ऐसा डिसलॉयल्टी शो किया, या अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर यानी इंडिया से बाहर कंटिन्यूअसली 7 साल अगर रह जाता है तो उसे सिटीजनशिप होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक और ये कंडीशन बस अपने को ध्यान रखना है कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से अगर सिटीजनशिप लिया है और 5 साल के अंदर किसी भी देश में अगर उसको 2 साल का जेल होता है, 2 साल की सजा होती है, तो भी वो लॉस होगा बाई डेप्रिवेशन। किसी ने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से इंडिया का सिटीजनशिप सपोज एक्वायर कर लिया, अब मैंने कहा कि सपोज उसने मान लो 2014 में एक्वायर किया, अब 2014 से जो 2019 का टाइम था इस बीच अगर किसी भी कंट्री में वो 2 साल के लिए अगर वो इम्प्रिजेंट होता ना, उस पर 2 साल के लिए अगर वो जेल जाता किसी दूसरे कंट्री में तो वो सिटीजनशिप खो देता, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ यही तीन तरीका है लॉस ऑफ सिटीजनशिप का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बस देखते हैं। पहला है कि इंडिया में हमारा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यहां पे डुअल सिटीजनशिप किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक चीज जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को दिए गए हैं किसी दूसरे को नहीं, तो इसको लिख लेना
15, 16, 19, 29 and 30, ये मैंने ऊपर में लिख इसका डिटेल आपको दे दिया है। बेसिकली 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ इंडियंस को हैं दिए गए हैं, ये किसी और को नहीं दिया गया है, ठीक है। और एक दूसरा चीज यहां पर है कि इंडिया में बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए कोई या तो बाय बर्थ है अगर किसी का सिटीजनशिप, या अगर कोई नेचुरलाइज्ड सिटीजन है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को संभाल सकता है, ठीक है, यानी वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, ठीक है। ये चीज एक्चुअली यूएसए में नहीं है, ठीक है। यूएसए का अगर कंपेयर करें तो यूएसए में सिर्फ बाय बर्थ देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जनरली जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे ना वो मैं उसी टॉपिक के साथ ही कवर करूंगा, तो यहां वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, किस चीज से रिलेटेड, जो इंडियन सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद फिलहाल जो एग्जाम के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को बार बार देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो अक्सर मिस कर जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग उसको बार बार रिवाइज करें तो ये बहुत आसान है, और ये इस बार अभी यानी आने वाले अगले 1-1.5 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप को लेकर के कितना कुछ चला था न्यूज में, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।